dear students, welcome to Smart World School of Complete Education. Let us study chapter number 8, Defeat of Internal Enemies. By use of force, the Mavlas of 12 Mavlas gathered round Shivaji, ready to do his bidding. They lived for Swaraj and were willing to die for it. They were simple Maratha folk. They loved Shivaji more than their life, but some people were jealous of Shivaji's achievement. He had to bring such people to book. 12 मावलास में जो मावलास थे वो शिवाजी के लिए जीते थे, वो स्वराज के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। वो सिंपल मराठा लोग थे और वो अपने शिवाजी को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। पर कुछ लोग शिवाजी के ये सब अचीवमेंट्स से बहुत जलस थे, यानी उन्हें बहुत जलन होती थी कि शिवाजी ने इतना कुछ पा लिया है। शिवाजी यही सब लोगों को नीचा दिखाना चाहता था, उन्हें अपनी लाइन पर लाना चाहता था। खंडोजी एंड बाजी गोरपड़े व टू सरदार्स इन द सर्विस ऑफ आदिल शाह। आदिल शाह के दो सरदारों का नाम था खंडोजी और बाजी गोरपड़े। द शाह इंसाइटेड देम अगेंस्ट शिवाजी। शाह ने इन दोनों को शिवाजी के खिलाफ भड़काया और उन्होंने कोंडाना डिस्ट्रिक्ट में शिवाजी के लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर दी। बट शिवाजी भी उनसे कम नहीं थे, वो उन्हें हरा कर उन्हें बाहर निकाल दिए। बाजाजी नायक निम्बलकर पलतान के अपने ब्रदर इन लॉ थे, वो अपने बहन के पति थे। शिवाजी को उनके खिलाफ काफ़ी सारे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, बट फिर भी शिवाजी अपने परिवार के साथ हमेशा खड़े रहते थे। संभाजी मोहिते ऑफ सूपे शिवाजी के रिलेटिव थे, वो उनके खिलाफ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रचाने लगे, उनके खिलाफ कुछ ना कुछ प्लान करने लगे। शिवाजी ने उन्हें भी गिरफ्तार करा दिया और कर्नाटक से बाहर निकाल दिया। शिवाजी के लिए ड्यूटी पहले आती थी और परिवार बाद में। चंद्रराव मोरे ऑफ शिवाजी। द ग्रेटनेस ऑफ शिवाजीज अचीवमेंट वॉज रिकग्नाइज एंड अपलॉडेड एवरीवेयर। ही कैप्टिवेटेड द हार्ट ऑफ हिज पीपल। सम पीपल डिड नॉट लाइक दिस, दे लुक्ड अपॉन शिवाजी एज अ मोल इन द आई। शिवाजी की अचीवमेंट सब जगह पहुंच चुकी थी और सब लोग बहुत खुश थे और उन्होंने कई लोगों का दिल जीत लिया था। पर कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया, कुछ लोग शिवाजी को बहुत बुरा समझते थे। द मोरे ऑफ जवाली वॉज सच वन सच पर्सन। मोरे ऑफ जवाली शिवाजी को बहुत बुरा मानते थे। मोरे जवाली के जागीरदार थे, वो जागीर जो रायगढ़ से कोयना वाली चंद्रराव जैसा टाइटल मिलता था और उन्हें वो आदिल शाह से मिला था। जवाली एक जंगल से भरा हुआ था कि इवन इन डे लाइट द सन रेज हार्डली पेनिट्रेटेड इट। धूप दिन में धूप निकलती थी, फिर भी उस जंगल में धूप पहुंच भी नहीं पाती थी ठीक से, और वो बहुत जंगली जानवर से भरे थे। शेर भेड़ियाँ खुलेआम घूमते थे। जवाली वॉज डस्ट लाइक अ टाइगर्स हाइड आउट। No one therefore crossed Morey's path. Only Shivaji had the courage to do so. वहाँ सब जंगली जानवर खुलेआम घूमते थे और ऐसा मानो जैसे जवाली को माना जाता था जैसे शेर के मुँह में हाथ डालना हो। कोई इसीलिए मोरे के साथ झगड़ता नहीं था, लेकिन शिवाजी ने ही साहस किया कि उनसे लड़े। दौलतराव मोरे मर चुके थे 1645 में। शिवाजी बैक्ट यशवंतराव मोरे हु विद शिवाजी हेल्प असेंडेड द गद्दी ऑफ चंद्रराव। शिवाजी ने यशवंतराव मोरे को बहुत मदद की और उनके मदद के लिए उन्होंने शिवाजी ने यशवंतराव मोरे को गद्दी पे चढ़ाया चंद्रराव के। शिवाजी की मदद के बदले यशवंतराव ने प्रॉमिस किया था शिवाजी को कि वह भी उन्हें एक एनुअल ट्रिब्यूट देंगे, मतलब साल में एक बार उन्हें याद करेंगे। बट एक बार उनको गद्दी मिल गई तो वो ये सब भूल गए, वो शिवाजी के इलाके को अटैक करने लगे और उनके खिलाफ जाने लगे। इसलिए शिवाजी को लगा कि मोरे को सबक सिखाना चाहिए, क्योंकि स्वराज इसी तरह अगर ऐसा होता रहा तो स्वराज को बहुत ख़तरा हो सकता है। रिबेल एंड यू विल डाई। शिवाजी फर्स्ट सेंट अ स्टिफ नोट टू यशवंतराव मोरे। यू कैन कॉल योर सेल्फ द राजा, बट आई एम द राजा ऑफ दिस टेरिटरी। दिस किंगडम इज लॉर्ड शिवाज गिफ्ट टू मी, सो डू नॉट कॉल योर सेल्फ द राजा।
शिवाजी ने एक खत भेजा यशवंतराव मौर्य को। उसमें लिखा था कि तुम अपने आप को राजा बुला सकते हो, पर इस इलाके का राजा मैं हूँ और ये शिवा ने मुझे भेंट में दी है, ये दरबार मुझे शिवा भगवान ने भेंट में दी है, इसलिए अपने आप को राजा मत बुलाओ। और इस ये खत का रिप्लाई देते हुए यशवंतराव ने बहुत रूडली बोला कि यू आर अ राजा ऑफ ओनली यस्टरडे, हु गेव यू दिस किंगडम, इफ़ यू कम टू जवाली यू विल बी ट्रैप्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आई हैव रिसीव्ड आदिल शाह द टाइट रिसीव्ड फ्रॉम आदिल शाह द टाइटल ऑफ राजा, ही हैज़ ऑल्सो हिज ग्रेशियसनेस गिवन मी अ थ्रोन एंड द पनोपली ऑफ राजा, इफ़ यू स्टार्ट एनी ट्रबल हियर यू विल बैडली हर्ट। उसके खिलाफ बुरा बोलते हुए उन्होंने यशवंतराव ने शिवाजी को कहा कि तुम तो कल के राजा हो, तुम्हें ये दरबार किसने दिया है, अगर तुम जवाली में आए तो तुम फंस जाओगे, और भगवान की खुशी से आदिल शाह ने मुझे राजा का नाम दिया है और उन्होंने मुझे दरबार भी दिया है, इफ़ तुमने यहाँ कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हें बहुत बुरा परिणाम मिलेगा। इस पर शिवाजी ने कहा, गिव अप जवाली एंड योर प्रिटेंशंस टू किंगशिप, कम बिफोर योर मास्टर विद फोल्डेड हैंड्स एंड एक्सेप्ट हिज सर्विस, यू विल रिफ्यूज टू डू सो एट द रिस्क ऑफ योर लाइफ। शिवाजी ने कहा कि जवाली तुम गिव अप कर दो और ये राजा बनना भी छोड़ दो, अपने मास्टर के सामने आओ, अपने गुरु के सामने आकर अपना हाथ जोड़ लो और उनकी सेवाओं में लग जाओ, अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हारा जान खतरे में है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जवाली वॉज अ डिफ़िकल्ट ऑपरेशन, इट वॉज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड बाई इम्प्रेगनेबल रायरी फोर्ट। जवाली को पाने के लिए शिवाजी को बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ी क्योंकि वो जवाली पूरे घने जंगल से भरा हुआ था और वो प्रोटेक्ट कर रहा था रायरी फोर्ट से। मनी ऑल्सो मोरे ऑल्सो हैड न्यूमरस फॉलोअर्स, मोरे के पास भी बहुत सारे लोग थे। शिवाजी आफ्टर मेकिंग थरो प्रिपरेशंस अटैक्ड जवाली, शिवाजी ने सब प्रिपरेशंस के साथ जवाली पर अटैक कर लिया। यशवंतराव होल्ड आउट फॉर अबाउट अ मंथ बट सफर्ड वेरी हैवी लॉसेस, ही देन एस्केप टू रायरी अलॉन्ग विद हिज फैमिली। शिवाजी कॉन्कर्ड जवाली एंड देन मार्च्ड ऑन रायरी, ही लेड सीज टू फोर्ट रायरी। यशवंतराव फॉट डेस्परेटली फॉर 3 months बट ही हैड टू गिव अप। जवाली को बचाने के लिए यशवंतराव ने 1 महीने बहुत मेहनत की पर उन्हें बहुत नुकसान सहना पड़ा। धीरे धीरे उन्होंने एस्केप कर लिया रायरी फोर्ट में अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ वह रायरी चले गए। शिवाजी ने जवाली पर कब्जा कर लिया और फिर वह रायरी के लिए आगे निकल गए। रायरी में आते ही उन्होंने एक बड़ा जंग किया। यशवंतराव बहुत डेस्परेटली लड़े बट 3 महीने तक लड़े वो, पर उन्हें गिव अप करना ही पड़ा। फोर्ट रायगढ़, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ जवाली वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, दिस डबल द बाउंड्रीज ऑफ स्वराज अंडर शिवाजी। यशवंतराव्स आर्मी टू जॉइन द फोर्सेज ऑफ शिवाजी, जवाली को पान के ऊपर कब्जा करने के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन था वो, और स्वराज के लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि स्वराज अभी दुगना हो चुका था। यशवंतराव की आर्मी भी अब शिवाजी को ज्वाइन कर चुकी थी, उनसे हाथ मिला लिया था, और स्ट्रॉन्ग रायरी फोर्ट अब स्वराज का हिस्सा बन चुका था। शिवाजी बहुत खुश थे और उन्होंने अपने अंडर ये कंट्रोल ले लिया रायरी फोर्ट का। उन्होंने रायरी फोर्ट का नाम रायगढ़ रख दिया। लेटर ऑन है बिल्ट अ न्यू फोर्ट ऑन द भोरपाया हिल नियर बाय, उन्होंने आगे जाके एक नया फोर्ट नया महल बनाया भोरपाया, उसका नाम रख दिया प्रतापगढ़। थैंक यू।